हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पर्सन ये आपके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं। ठीक है, आपके साथ आप जिन पर्सन के साथ हैं वो आपके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं। चलें लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मेरी सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और सेकंड ये कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें और अपनी रीडिंग एंजॉय करें। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं इनके ये सोलमेट हैं। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो बहुत टाइम से स्टक है इस रिलेशनशिप में, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, कोई 6 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से। ठीक है, हम चेक करते हैं। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन ये कार्मिक हैं या सोलमेट। प्लीज़ माय एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। कलेक्टिव है ये, माइंड में रखिएगा इस बात को। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कटथ्रोट है, इट मीन्स कोल्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं। टेन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसने आपको मेंटली इतना डिप्रेशन और स्टकनेस दिए कि आप मेंटली स्टक हैं, आप मेंटली इल फील करते हैं ख़ुद को। ठीक है, लेकिन आप अब ये है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि आपको कुछ ऐसा है, अपनी बात मनवाता है, अपने डोमिनेशन से अपने आप को आपके ऊपर डालता है। इट मीन्स इसका नेचर कुछ इस टाइप का है कि अपनी मर्जी चलवाता है, क्वीन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा पावर में रहता है और आपको अपने हाथ में पावर में रखना चाहता है, ना आपको क्लैरिटी देता है, ना आपको मूव ऑन करने देता है। ठीक है, इसने मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस दी है, इसने बहुत ज़्यादा स्टकनेस दी है, इसने स्लीपलेस नाइट दी है आपको इस पर्सन ने। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कामो वाटर की तरफ जाते हैं। जब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है ऐसा लगता है आपको बर्डन, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बर्डन देता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ लेना जानते दे नहीं रहे होते, ये बर्डन इसलिए फील होता है। ठीक है, हमें सामने वाले की एनर्जी से बर्डन सम सिचुएशन, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ जो है ना एक दूसरे को कैच कर लेती हैं, हमारी एनर्जीज़ को पता चल जाता है ये पर्सन लेने आया है, देने कुछ भी नहीं आया। इट मीन देने की बात ये नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक तो मस्ट होता है ना हर रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट। प्लीज माय एनर्जी सेंस स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं इस पर्सन के साथ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी इस पर्सन के साथ। सेवन ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ में, फीमेल्स को लेकर, मेल्स को लेकर। आप मेल देख रहे हैं तो इसके पास इस लड़की के पास बहुत ज़्यादा मेल्स में ऑप्शंस होंगे, और अगर ये कोई फीमेल देख रही है तो इसके पास बहुत ज़्यादा फीमेल्स में ऑप्शंस हैं इसकी लाइफ में। ये इसलिए अपने मेंटली ट्रॉमा में स्टक रहता है, दूसरों को अपनी ही वजह से मैनिपुलेट करता है। इट मीन्स सेल्फिश है, अपनी वजह से दूसरों को मैनिफेस्ट करना तो सेल्फिशनेस हुई ना। सेवन ऑफ सोर्ड, बहुत डिसेप्शन की इसने आपके साथ पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव पर्सन है, इसने पास में बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की है, जिसकी वजह से फाइव ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट क्रिएट रही है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहे हैं। जितना भी टाइम इसके साथ आपका गुजरा है कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा है इस पर्सन के साथ। इसने कार्मिक मैं इसको ऐसे कन्फर्म नहीं करूँगी कार्मिक है या सोलमेट है, हम देखते हैं और क्या है। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन उनके कार्मिक हैं या सोलमेट। आप इसको कहीं ना कहीं से इसके ऊपर नज़र रखते हैं, आप स्टॉक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी नज़र है शुरू से। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस,
इसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा दिया है, मेंटली ट्रॉमा तो दिया ही दिया है, इमोशनली ट्रॉमा भी दिया है। दी मैजिशियन ट्रिक्स्टर है ये, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर है ये, ट्रिक्स खेलता है आपके साथ, आपको मेंटली गेम्स में फंसाता है ये मून, बिल्कुल ये कार्मिक है ये आपको इल्यूजन, इसके साथ आपके बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ में छुपी हुई हैं, झूठ सच इन सब चीज़ों में ये उलझा हुआ है। ठीक है, आप दोनों की ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप चाह रहे होंगे कि कम्युनिकेशन लाइन इस पर्सन के साथ ओपन हो जाए, लेकिन इसकी कार्मिक ट्रेट्स हैं, ये कार्मिक पर्सन है, ये आपको डिस्टर्ब करके रखता है, मेंटली डिस्टर्ब करके रखता है, इमोशनली डिस्टर्ब करके रखता है, और अगर ये सब कुछ नहीं भी करता तो आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं देता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब जब आपकी लाइफ में आता है आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है ये पर्सन, क्योंकि डिफेंसिव रहता है आपकी तरफ, आप चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी दे, पेंटिकल दे, आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे, आपसे अपनी दिल की बात करे, जो कि ये नहीं करता, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस काफ़ी ज़्यादा खामोश रहता है, एब्जॉर्ब करता है, इट मीन सेफ प्ले करता है इस पूरे रिलेशनशिप में, ये पर्सन सेफ प्ले करता है। दी एम्परर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है, मेरे मर्ज़ी से चलो, मेरे तरीके से चलो तो ठीक है, अदरवाइज गेट आउट, इस टाइप वाला इसका सिचुएशन है। टू ऑफ कप्स, आप इसको अनकंडीशनली लव करते हैं इस पर्सन को, आप चाहते हैं ये आपके लिए स्टेबिलिटी के हवाले से सोचे। ठीक है, फाइव ऑफ सूट, आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े नहीं हो, क्वीन ऑफ फैंस, फोर ऑफ पेंटिकल, आप थक चुके हैं इसको अपना प्यार बता बता के, अपनी चीज़ें बता बता के, आप हर्ट हो चुके हैं, और ये पर्सन है कि ओपन अप नहीं होता कि चाहता है कि नहीं चाहता है, आपको रखना चाहता है कि नहीं चाहता है, लाइफ टाइम आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा। पहले तो शुरू में मना ही करता होगा, बिल्कुल ही ना, बिल्कुल ही बदतमीज़ी, बिल्कुल ही एब्यूजिंग वर्ड, ये सब कुछ। उसके बाद इसने बिल्कुल ही आपको कन्फ्यूज करके रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाएं। मैं क्लैरिफिकेशन के लिए एक डे कॉल लेना चाह रही थी, ठीक है मेरे पास, ठीक है, प्लीज़ माय डिस्टेंस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट। देखिए, सेवन ऑफ कप्स, मैंने कहा ये इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये फ्लड एंड फन वाला पर्सन है, ये कभी भी एक तरीके की चीज़ नहीं रख सकता, इट मीन इसका कहने का मकसद ये होगा कि कोई दाल रोटी या दाल चावल डेली खा सकता है, ये वही वाला पर्सन है, ये ऐसे लोग यही वाली बातें करते हैं, तो ये दाल चावल समझता है, जो जिसको दाल चावल कोई खा नहीं सकता। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये बिल्कुल ही जो है ना इमेच्योर सा और इन एंड आउट करने वाला, ये इसकी बहुत सी दोस्तियाँ यारियाँ रही हैं, जैसी कोई इससे कमिटमेंट मांगता है ये भाग जाता है उसकी लाइफ से, उस रिश्ते को ख़त्म करके, उस चीज़ों को बंद करके। ठीक है, वरना फ्लर्ट एंड फन, अपने मतलब की आपसे बात करवाना, मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था ना, मैंने कभी कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बातें रिलेशनशिप वाली होंगी। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा हम रिलेशनशिप में हैं, कुछ इस टाइप का बंदा है ये, आपसे नहीं, आपके और भी लोगों के साथ इसी तरीके से करता है, जैसे कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट, कोई सॉलिड चीज़ डिमांड करता है तो वहीं से भाग लेता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आपके मुश्किल वक्त में ये कभी साथ नहीं रहा आपके। ठीक है, ये आपको छोड़ के निकल लिया, कन्फ्यूज़ रहता है ये, किसी को भी कुछ भी नहीं देता। देखें, टू ऑफ सोल्ड, इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है, सोच प्रिटेंड ऐसे करता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, क्लैरिफाई एट ऑफ सोल्ड, प्लीज़ माय डिस्टेंस स्पीड गाइड, फिर बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन कार्मिक हैं या सोलमेट, क्लैरिफाई एट ऑफ सोल्ड, कार्मिक वाली ट्रेट्स हैं इस पर्सन की, क्योंकि जो सोलमेट होते हैं वो कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते। ठीक है, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट, फोर ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये साइलेंट मोड पे रहता है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता होगा आपको, आई एम श्योर।
बिल्कुल आप चाहते हैं ये आपसे बताए, अपने दिल की बात करे, कोई फैमिली में कोई कैरियर में मसला है, किस वजह से अपसेट है, क्यों नहीं बोलता, आप ये सोचते होंगे, आप अनकंडीशनली चाहते हैं ये आपसे बात करे, ये आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन नहीं दी हायरोफेंट, बिल्कुल आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, तीस मैजिशियन स्प्रिट गए, मुझे बताइए यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, आप अपनी पावर में, आप इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए तैयार हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, अगर ये आपको कुछ देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इधर से इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स ने इसको आपकी लाइफ में भेजा भी यूँ था, इसका और आपका कार्मिक लेसन था। देखें ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पैशनेट बातें करनी है वो कर लो, अट्रैक्टिव है मिलना है वो कर लो, हैंग आउट करना है वो कर लो, लेकिन मेरी मर्ज़ी से, मैं जिस टाइम अवेलेबल हूँ ओके ठीक है डन मिलेंगे, मेरा दिल कर रहा है बात करने का। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है, कोई मसला आया है, आप चाह रहे हैं बात करना, तो इम्पॉसिबल ये आपको आंसर दे दे, सेल्फिश है ये, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टिस, यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का अगर क्यों कार्ड है, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टिस, सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है रिलेशनशिप में एक ना एक दिन आपके लिए विक्ट्री है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि एक टाइम में हील होगा ये रिलेशनशिप और यहाँ पर बैलेंस आएगा, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट भी करेगा, ये आपको कॉल भी करेगा, ये आपको राइट वे में अप्रोच भी करेगा और ट्रीट भी करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, बिल्कुल आपके माइंड में ये चीज़ है कि ये बैलेंस लाएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप यही सोचते हैं ये एक ऐसा वक्त आएगा सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस लाएगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी देगा ये पर्सन आपको, ये आपकी थिंकिंग है, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी इंट्यूशन कहती है एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, ये इंसान का बच्चा ज़रूर बनेगा। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि एक वक्त होगा जिस इन चॉइसेस में से ये मुझे सिलेक्ट करेगा, ये मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग ऑफ लव आएगा, ये आएगा मेरी तरफ, एक पॉइंट पे सब कुछ छोड़कर ही आपकी तरफ भागा चला आएगा, ठीक है। और ये सब कुछ करने के लिए आपको पावर में आना पड़ेगा और आप पावर में आ भी रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर आपने समझा है तो आप इसके साथ साथ अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं, टेम्परेंस बैलेंस लाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं इस पर्सन के साथ, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप, और आपको लगता है आपकी इंट्यूशन कहती है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन ये करेगी, जब आप पावर में आएंगे तब ये करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको सही बताती है, लेकिन आपका अपनी पावर में आना ज़रूरी है। पेज ऑफ सूट, आप इसके पीछे भागते रहेंगे तो ये सब कुछ आप एक्सपेक्ट मत करें, ये भाग कर तो आप इस पर्सन को नहीं पकड़ सकते, इसको भाग कर तो कोई नहीं पकड़ पाया, इसके अपने पेरेंट्स नहीं पकड़ सकेंगे इसको भागने के बाद, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, इसको चेस कर आप कुछ भी इसके इससे कोई हासिल वसूल नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि ब्रेड क्रम्स देता है, नाइट्स की एनर्जी में रहता है। नाइट ऑफ द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुआ हुआ है इस वक्त, ऐसा हो सकता है कोई इमोशनली आर्ग्यूमेंट हुई है आपकी, आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं इस पर्सन की वजह से, लेकिन ये अपनी पावर में होकर अपने आप को एक थ्रोन पे बिठाकर स्टबर्न नेचर में आकर बैठा हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में आपके साथ स्टेबिलिटी, चाहता तो ये भी वही है, लेकिन ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी ही मूड पे चाहता है। क्लैरिफाई दी मून, टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, क्या छुपाता है इसके दिल में भी आपके लिए वही है, टू ऑफ कप्स, ये आपका है तो कार्मिक, ठीक है, जिसने जिस कदर इसने आपको जो हर्टफुल चीज़ें दी है ना, लेकिन
ये आगे जाके ये आपका सोलमेट में इट मीन्स चेंज हो सकता है रिलेशनशिप, आप लोग के कार्मिक बैगेजेस बैलेंस हो जाए, जो कर्मा था आप दोनों का बैलेंस होके आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन पास्ट में इसने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक किया है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा एक अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेवियर दिखाया है। ये वो पर्सन है जिसने अपने दिल पे ताला लगाया हुआ था आपकी तरफ। आपको लगता होगा यार ये पूरी दुनिया से तो सही बात करता है, मुझसे क्यों उस तरीके से करता है, ये वही पर्सन है। लेकिन ये आप लोग के कोई ना कोई कार्मिक पास्ट लाइफ कहते हैं लोग, लेकिन आई डोंट नो हम लोग मानते कि नहीं मानते, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट कार्मिक बैगेजेस हैं जो क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच, जो वो हो रहे हैं। ये आगे जाके टू ऑफ कप्स इस रिलेशनशिप को दिल से निभाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पावर में आएंगे, अगर आप इसके पीछे भागते रहेंगे तो बस भागते ही रहेंगे, फिर आप किसी और तरफ मूव ऑन हो जाएं अगर आपको भागना है इसके पीछे तो, क्योंकि ये भागने भागने से पकड़ में नहीं आने वाला, ये पकड़ में किसी के भी नहीं आएगा। जो इसको भगाएगा ना अपने पीछे, बस ये उसकी पकड़ में आएगा, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।